मुक्तिधाम चोरी मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। चोरी हुए मुक्तिधाम को खोजने के लिए वहां बार मुआयना किया जा चुका है। पहली बार पंचायत विभाग के अफसरों ने जांच की, उन्हें मौके पर नहीं मिला, जिसके बाद आरईएस के इंजीनियर मौके पर पहुंचे, उन्हें भी मौके का मुआयना किया। तीसरी बार इंजीनियर पहुंचे और चौथी बार फिर इंजीनियर ऑटो लेवल लेकर पहुंचे और भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से पुरातात्विक निर्माण से जुड़े खंडहर की तलाश की जाती है, उसी तरह से मशीन भूमि का लेवल जांच की जा रही है। वहीं खंडहरों ने शिकायत की है कि निर्माण की राशि आहरित कर ली गई है, लेकिन प्रस्तावित स्थल पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। रीवा की ये घटना है कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मुक्तिधाम चोरी मामला पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार की परत खुलते जाएगी। बार बार जांच की जाती है, एक ही विभाग वहां पहुंचकर जांच करता है कि आखिर क्या कुछ निर्माण हुआ है, किसी तरह की कुछ उन्हें सबूत कुछ तथ्य मिले, लेकिन ऐसा सामने नहीं आ पा रहा है। मामला काफ़ी पेचीदा है और 2015-16 के आसपास एक शांति धाम खुदहा ग्राम पंचायत की आराजी नंबर 3 में बनाया हुआ बताया गया, लेकिन वह सिदहा ग्राम पंचायत में नहीं बना हुआ, नहीं मिला। फिर उसकी तलाश की गई तो पता चला कि वो एक अन्य ग्राम पंचायत अन्य आराजी में बना हुआ है। अब उसकी जांचें चल रही हैं, तकनीकी जाँचें हुई, राजस्व की जाँचें हुई। तकनीकी जांच में भी काफ़ी कमियां बची हुई थी, जिसको ऑटो लेवल मशीन के द्वारा भी कल 12 सितंबर 2022 को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यपालन यंत्री आरएल कोकोटे और उनकी टीम के द्वारा पूर्ण बार जांच की गई। इसमें जमीन का लेवल लिया गया, देखा गया कि कहाँ सिद्धि धाम है, आखिर बना हुआ था तो कहाँ उसमें मिट्टी पड़ी थी, किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो मतलब एक देखा जाए तो एक तरह से ये पूरा तात्विक सर्वेक्षण जैसी निर्मित हो गई है कि आखिर शांति धाम बना है तो है कहाँ, और मतलब वो कागजों पर ही मात्र बना हुआ है। अंत में निष्कर्ष यही निकलने वाला है। तो बेसिकली ये बहुत ही देखा जाए तो एक गंभीर समस्या है कि पंचायती भ्रष्टाचार न केवल पूरे रीवा जिले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है, और इस विषय पर सरकार को इसको बंद पंचायती भ्रष्टाचार को कर्ब करने के लिए इस